हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स लर्निंग ऑर्चर्ड। आज हम एक और कहानी का ट्रांसलेशन करेंगे। छोटी सी स्टोरी है ये, तो चलिए इस कहानी को हम देखते हैं। कहानी का नाम है द फाइटिंग कॉक्स एंड द पार्ट्रिज। द फाइटिंग, फाइट मतलब होता है लड़ाई करना, तो फाइटिंग कॉक्स मतलब कॉक होता है मुर्गा। तो लड़ने वाले मुर्गे एंड द पैटरेज। पैटरेज का मतलब क्या होता है? जो तीतर एक पक्षी होता है ना, उसको हम पैटरेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दो लड़ने वाले मुर्गों और एक तीतर की कहानी है। वंस, एक बार अ मैन लिव्ड इन द विलेज। एक मैन यानी एक आदमी लिव्ड रहता था इन द विलेज, एक गांव में। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। ही हैड टू कॉक्स। ही हैड, उसके हैड मतलब पास, उसके पास टू कॉक्स, दो मुर्गे थे। वन डे द मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट व्हेन ही सॉ अ मैन सेलिंग अ पैट्रिज। वन डे, एक दिन द मैन वॉज रिटर्निंग, वो आदमी वापस आ रहा था फ्रॉम द मार्केट बाजार से। व्हेन ही सॉ अ मैन सेलिंग अ पैट्रिज, जब उसने सौ मतलब देखा एक आदमी को सेलिंग बेचते हुए, किसे बेचते हुए? पैट्रिज यानी तीतर। तो जब वो एक दिन बाजार से वापस आ रहा था तो उसने एक आदमी को तीतर बेचते हुए देखा। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना और थॉट उसका सेकंड फॉर्म है। तो उसने सोचा, आह माय चिल्ड्रन वुड लाइक दिस बर्ड। ओ, उसने कहा, अरे मेरे बच्चे वुड लाइक, पसंद करेंगे दिस बर्ड, इस पक्षी को। तो उसने कहा, अरे मेरे बच्चे इस पक्षी को पसंद करेंगे। सो ही बॉट द पैट्रिज एंड टुक हर होम। सो इसलिए ही बॉट, उसने खरीदा द पैट्रिज तीतर एंड टुक हर होम, और टुक ले आया हर होम, उसे घर। तो उसने एक तीतर खरीदा और उसे घर ले आया। ही प्लेस्ड हर अलोंग विद हिज कॉक्स। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया हर उसे अलोंग विद हिज कॉक्स, साथ में। अलोंग मतलब साथ में, विद हिज कॉक्स यानी किसके साथ में? अपने मुर्गों के साथ में। तो उसने उस तीतर को अपने मुर्गे के साथ में, या मुर्गों के, दो मुर्गे थे उसके पास, उनके साथ में रख दिया। बट द कॉक्स पेक्ड द पैट्रिज एंड ट्रबल्ड हर। लेकिन द कॉक्स, मुर्गों ने उसको पैक, पैक का मतलब होता है चोंच मारना। तो द कॉक पैक्ड द पैट्रिज, लेकिन मुर्गे जो थे वो पैट्रिज को चोंच, मुर्गों ने पैट्रिज को यानी कि तीतर को चोंच मारी। एंड ट्रबल्ड हर, और उसको ट्रबल मतलब परेशान करना, और उसको परेशान करने लगे। दे फॉलोड हर वेयर एवर शी वेंट। दे फॉलो मतलब वो पीछा करते थे उसका, उसका यहाँ पर हर का मतलब किससे है? तीतर से। वह उसका पीछा करते थे वेयर एवर शी वेंट, जहां भी वो जाती थी। द पैट्रिज वॉज वेरी अपसेट। तीतर बहुत, वॉज वेरी बहुत ज्यादा, अपसेट मतलब परेशान या दुखी था। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने थॉट मतलब सोचना, टू हर सेल्फ अपने में ही सोचना, मतलब हम कभी कभी बैठे बैठे अपने बारे में ही सोचते हैं ना, खुद से सोचते हैं। तो उसने अपने से ही सोचा, वाई आर दीज कॉक्स पैकिंग मी। वाई मतलब क्यों आर दीज कॉक्स, ये मुर्गे पैकिंग मी, मुझे चोंच मारते हैं। तो उसने क्या सोचा खुद से ही, कि ये मुर्गे मुझे चोंच क्यों मारते हैं? आई थिंक इट इज बिकॉज, आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से या मुझे लगता है, इट इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि आई एम अ स्ट्रेंजर टू देम, क्योंकि मैं उसके लिए, स्ट्रेंजर मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं यानी अजनबी, क्योंकि मैं उसके लिए शायद स्ट्रेंजर हूँ यानी अजनबी हूँ, इसलिए वो चोंच मारते हैं। हाउ एवर वन डे द पैट्रिज फाउंड, हालांकि एक दिन तीतर ने देखा द कॉक्स फाइटिंग, जो मुर्गे लड़ रहे थे, एंड पैकिंग ईच अदर, और जो एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को पैकिंग
चोंच मार रहे थे। तो हालांकि एक दिन तीतर ने मुर्गों को लड़ते हुए और एक दूसरे को चोंच मारते हुए देखा। नाउ शी सेड, अब शी सेड उसने कहा, आह अरे आई शैल नॉट बी सैड एनी मोर, मुझे आई शैल नॉट बी मुझे नहीं होना चाहिए क्या सैड यानी दुखी एनी मोर, अब यानी मुझे अब आगे से दुखी नहीं होना चाहिए। आई शैल नॉट कंप्लेन इफ द कॉक्स पेक मी, आई शैल नॉट कंप्लेन यानी मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए इफ द कॉक्स पेक मी, अगर मुर्गे मुझे चोंच मारें तब भी मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। आई कैन सी दैट द कॉक्स क्वेरल इवन बिटवीन themselves, आई कैन सी मतलब मैं देख सकती हूँ दैट द कॉक्स क्वेरल कि मुर्गे क्वारल मतलब लड़ाई करना, मुर्गे लड़ाई करते हैं इवन बिटवीन themselves, इवन मतलब अपने आपस में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे ही केवल परेशान करते थे, वो ये कहती है कि मैं ये देख सकती हूँ कि वे दोनों आपस में भी लड़ाई करते हैं। इट इज इन देयर नेचर आफ्टर ऑल, और ये उनका नेचर यानी ये इनका खुद का स्वभाव है, यानी कि इस स्टोरी में बताया गया है कि मुर्गों का स्वभाव, जो दो मुर्गे थे उनका स्वभाव ही लड़ाई करने का था। लेकिन जब शुरू में वो तीतर वहां पहुंचा तो उसको ये लगा कि ये मुझे ही केवल परेशान करते हैं क्योंकि मैं शायद इनके लिए नहीं हूं, लेकिन जब उसने उन मुर्गों को लड़ते हुए देखा तो वो ये तीतर ये समझ गया कि ये उनका खुद का नेचर है, खुद का स्वभाव है लड़ने का, इसलिए मुझे अगर ये परेशान करते हुए तो मुझे इससे कुछ दुखी नहीं होना चाहिए, वो उनका स्वभाव ही है। तो आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से ट्रांसलेशन इसका समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।